हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, दोबारा से सेकंड वेव ऑफ कोरोना आ गई है और पूरा देश दोबारा से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन है, महाराष्ट्र यूपी के भी बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन जहां एक तरफ हमारी हर तरह की गतिविधियों को रोक रहा है, हमें घर में रहने पर मजबूर कर रहा है, दूसरी तरफ हमारी आर्थिक गतिविधियां भी, हमारी फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही हैं, इन्फ्लुएंस हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने लोन लिया हुआ है उसको उसकी ईएमआई हर महीने पे करनी है, क्योंकि सरकार ने आपको सिर्फ 6 महीने का मॉरिटोरियम दिया था जो कि सन 2020 के अंदर मार्च से लेकर अगस्त के तक था। अगस्त के बाद से अभी तक कोई मॉरिटोरियम का सरकार ने ऐलान नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि आपका अगर व्यापार चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपके पास नौकरी है या नहीं है, आपको अपनी ईएमआई फिर भी पे करनी पड़ेगी। फ्रेंड, ऐसे समय में जब आप अपनी ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे हैं तो बैंक्स भी बहुत स्मार्टली अपना पैसा रिकवर आप लोगों से कर रहे हैं, अपने बोरोवर से कर रहे हैं। आइए मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि कैसे बैंक्स बिना कोर्ट जाए और बिना रिकवरी एजेंट के भी अपना पैसा रिकवर कर रहे हैं, वो भी कानूनी तरीके से। सबसे पहले बैंक अपने बोरोवर के पास रिकवरी एजेंट के थ्रू अप्रोच करता है और रिकवरी एजेंट हर तरह की कोशिश करता है कि बिना कोर्ट जाए ही उसका सारा पैसा रिकवर हो जाए, क्योंकि फिलहाल मार्केट में पैसा नहीं है तो रिकवरी एजेंट्स भी पैसे को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि पूरे देश के अंदर कोर्ट्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही हैं, इस वजह से बैंक भी कोर्ट के अंदर केस इतनी तेजी से फाइल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तारीखें इतनी लंबी पड़ रही हैं कि पहली तारीख भी 8-8, 10-10 महीने की लग रही है। ऐसे समय में एक नया ऑप्शन जो ये ढूंढ कर लाए हैं, जो कि कानून बहुत पहले से अवेलेबल था लेकिन उसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। ये कानून है और इस कानून को कैसे यूज किया जाता है और ये कानून कैसे एक बोरोवर के ऊपर लागू होता है, इसकी मैं थोड़ी सी रूपरेखा आपको बता देता हूं। जब भी आप कोई लोन लेते हैं, चाहे लोन आपने बैंक में जाके फॉर्म फिलअप करके लिया है या आपने ऑनलाइन लोन लिया है, ये ध्यान रखिए हमें उसका एक एग्रीमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन जरूर साइन करना होता है। जब हम किसी एग्रीमेंट को साइन करते हैं तो हमारी ये हैबिट है पर्सनली कि हम उस एग्रीमेंट के क्लॉजेस को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इन क्लॉजेस की, इन एग्रीमेंट की लैंग्वेज इतनी मुश्किल होती है कि उसमें लीगल लैंग्वेज होती है और उसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इन्हीं एग्रीमेंट्स के अंदर एक क्लॉज होता है कि यदि बोरोवर और बैंक के बीच में, उधार लेने वाले और बैंक के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो बैंक के पास ये अधिकार है कि वो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के अंतर्गत किसी भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके आपका और अपना मुकदमा वो कोर्ट के बाहर ही हल करवा सकते हैं। अब ये आर्बिट्रेटर कौन होता है, इसको समझने की जरूरत है। ये आर्बिट्रेटर वकील होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, जो अपने ही ऑफिस और अपने चैम्बर के अंदर ऐसे जज की भूमिका निभाते हैं। वो बैंक और बोरोवर के बीच में मध्यस्थता करते हैं, कि दोनों के केस की सुनवाई करते हैं और जिसके पक्ष में ज्यादा साक्ष्य होता है, जिसके पक्ष में ज्यादा एविडेंस होते हैं, उसके पक्ष में फैसला सुना दिया जाता है। और क्योंकि आम तौर पर जब हम लोन लेते हैं तो वो लोन अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है और उसके सारे एविडेंसेस सिर्फ बैंक के फेवर में होते हैं, इसीलिए फैसला भी बैंक के फेवर में ही सुनाया जाता है। फ्रेंड्स, आमतौर पर बैंक्स यहां पर एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से इन केसेस को फाइल करते हैं। वो स्मार्ट तरीका क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर लोन लिया है तो बैंक्स उसके खिलाफ आर्बिट्रेशन का केस दिल्ली में फाइल नहीं करते, क्योंकि बैंक को पता है कि अगर आर्बिट्रेशन का केस दिल्ली में फाइल किया जाएगा तो उस केस को बोरोवर आसानी से कंटेस्ट कर सकता है और उसको अपने बचाव का पूरा मौका मिल सकता है। बैंक क्या करते हैं कि ऐसे केसेस को बहुत दूर, जैसे दिल्ली के क्लाइंट का केस वो चेन्नई में फाइल करेंगे, मुंबई में फाइल करेंगे, वो इतनी दूर फाइल करते हैं कि बोरोवर अपना केस कंटेस्ट करने के लिए इतनी दूर ना पहुंच सके, और अगर वो पहुंचता भी है तो उसका इतना ज्यादा पैसा, टाइम, एनर्जी खर्च हो कि वो आखिर में थक हार कर बैंक का पैसा दे दे। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है और उसके आर्बिट्रेशन का केस चेन्नई के अंदर फाइल किया गया है तो आमतौर पर मैंने ये देखा है कि क्लाइंट बोरोवर अपने केस को कंटेस्ट करने के लिए चेन्नई में नहीं जाते, और चेन्नई में न जाने से उसका जो नुकसान होता है कि बिना आपका पक्ष सुने ही आर्बिट्रेटर एक्स पार्टी फैसला
आपके खिलाफ दे देता है और बैंक के फेवर में फैसला चला जाता है। बैंक 2 से 3-4 तारीखों में आपके खिलाफ केस जीत जाती है और जब आपके खिलाफ फैसला आता है तो उसे कहा जाता है अवार्ड, और अवार्ड आपके खिलाफ पास हो जाता है। बैंक बहुत तेजी के साथ उस अवार्ड को लेकर आपके क्षेत्र में आती है और वहां पर एक सिंपल सी एग्जीक्यूशन की पिटीशन फाइल करके आपके घर पर रिकवरी का नोटिस आ जाता है और फिर फाइनली आप पूरी तरह से बाध्य हो जाते हैं, आपको बैंक का पैसा बैंक को रिटर्न करना होता है। फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोसीजर है जो आजकल बैंक्स अपने बोरोवर्स के खिलाफ यूज कर रहे हैं, और ये ध्यान रखिए कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए का पैसा भी बैंक्स आर्बिट्रेशन के थ्रू केसेस कंटेस्ट कर करके बहुत तेजी के साथ पैसा रिकवर कर रहे हैं, और ये ध्यान रखिए कभी कभी 2 से 3 महीने के अंदर ही ये सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाती है। यहां पर मैं अपने क्लाइंट्स को कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि अगर आपके खिलाफ कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो आप आर्बिट्रेशन के नोटिस का जरूर रिप्लाई करिए, तो क्योंकि आपको अपना डिफेंस रखने का एक मौका मिलता है। दूसरी बात, जहां कहीं पर भी इस पेंडेमिक के टाइम में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ध्यान रखिए कि ऑनलाइन अपीयरेंस की फैसिलिटी आपको दी जा रही है। बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी हैं, जैसे कोर्ट्स के अंदर सिस्को वेबएक्स नाम की एक एप्लीकेशन है जिससे आप कहीं से भी बैठकर अपने आर्बिट्रेटर या कोर्ट में आप कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी आर्बिट्रेटर प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी नोटिस के अंदर आपको लॉगिन आईडी वगैरह अगर नहीं प्रोवाइड की गई है तो आप उस नोटिस के अंदर जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उसे कॉल करके, या अपने एडवोकेट जो आर्बिट्रेटर है वो भी एडवोकेट ही होते हैं, उन्हें कॉल करके आप लॉगिन आईडी पासवर्ड लें और जो आपकी तारीख है आप उस पर अपनी प्रेजेंस जरूर मार्क करें। चाहे आप खुद भी अपने मैटर को कंटेस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपने एडवोकेट के थ्रू भी उस केस के अंदर आप कंटेस्ट कर सकते हैं। जब आप अपने मैटर को कंटेस्ट करते हैं तो सबसे पहला फायदा यह होता है कि आपको अपने मैटर में अपना डिफेंस रखने का मौका मिलता है, और दूसरी बात, आपके केस को 2 या 3-4 तारीखों में ही नहीं निपटाया जाता बल्कि फिर उसके अंदर एक पूरा समय लगता है। इस समय को आप स्मार्टली यूज कर सकते हैं, कहीं से पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने मैटर को, अपने लोन को आप बैंक के साथ सेटल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरी प्रोसीडिंग है जो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई है। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप फेस कर रहे हैं और मैंने इस वीडियो के अंदर अभी तक एड्रेस नहीं किया है, आप मुझे उसे इनबॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।